इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई एम गुड एट का प्रयोग। जब आप किसी विषय में निपुण होते हैं तब आप प्रयोग करते हैं आई एम गुड एट। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस। आई एम गुड एट, यहाँ पर सिर्फ आपको एक वर्ड यूज़ करना है, आई एम गुड एट डांसिंग। इसी तरीके से आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट मैथ, मैं मैथ में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट राइडिंग, मैं राइडिंग घुड़सवारी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट रनिंग, मैं रनिंग में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट बाइकिंग, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट एक्टिंग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस और वाले सेंटेंस हम कैसे पूछेंगे। आर यू गुड एट डांसिंग? यस आई एम। सपोज दैट अगर आप डांसिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, आई एम गुड एट सिंगिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आर यू गुड एट स्पीकिंग? यस आई एम। अगर आप स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, आई एम गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। आर यू गुड एट लर्निंग? यस आई एम। अगर आप लर्निंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट न्यू वीडियोज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू। हो गई तैयार।